हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बेस। तो अब तक हमने एसिड के बारे में सब कुछ देख लिया ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा भी। अब आप लोग इस नेक्स्ट का वीडियो बेस और एल्कली क्या होते हैं सबकी बातें हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो बेस क्या है, तो बोर्ड पर लिखा है, इसको नोट भी कर लेना आप लोग। ए बेस इज एन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल विच वेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ए बेस इज ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल विच वेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ये आपके बेसिस के एग्जांपल है, इसमें सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस हैं। अब हम बात करेंगे एल्कली की, तो बेस समझ गए। तो बेस क्या है, ए मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड बेस एंड व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर। अब बेस और एल्कली में डिफरेंस क्या है, इसकी बात हम करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। एल्कली क्या है, ए वाटर सॉल्युबल बेस, ए वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली। मतलब ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगा उसको हम बोलते हैं एल्कली। तो ये क्लियर है, सारे के सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, इट इज क्लियर। अब इसका एग्जांपल भी याद कर लीजिएगा, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे आपके एल्कली हैं। मतलब वो ही बेस, केवल वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे एल्कली। तो इसका मतलब है सारे के सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो बेस जो वाटर सॉल्युबल है वो एल्कली कहलाएंगे। इसका मतलब है दुनिया के सारे एल्कलीज बेस तो होंगे, दुनिया के सारे एल्कलीज बेस होंगे, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होंगे। तो नोट में इसको लिखो, All alkalis are bases, but all bases are not necessary to be an alkali. To be an alkali. तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये base और alkali के बारे में बात थी। अब हम देखेंगे what do all the bases have in common? सारे bases में common चीज क्या है? आपने देखा था कि सारे acids में common चीज क्या थी? मैंने बताया था। A common property of all the acids are there is that कि दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो किसी भी एसिड की कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी कि जब उसको वाटर में हम डिसॉल्व कर देते तो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता था। और मैंने वहां डिस्कस भी किया था सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो एसिड होते नहीं है। तो अब यहां पे सारे बेसिस में कॉमन बात क्या है, तो इसको नोट भी कर लेना, एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ All bases are alkalis. A common properties of all bases or alkalis is that they produces hydroxide ion OH minus, जिसको बोलते हैं, when डिजॉल्व इन वाटर। तो सारे बेसिस की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी कि जब हम उनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो सारे के सारे बेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। इट इज क्लियर। अब एग्जांपल क्या होगा इसका, वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व करोगे तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व कर दो तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। तो सारे बेसिस की प्रॉपर्टी कॉमन क्या दिख रही है कि जैसे उनको वाटर में डिजॉल्व करोगे वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था बेस एल्कली की बात।
और सारे बेसिस में कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी इसकी बात आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके नोट कर लेना, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके वापस देखो। अब देखो भाई एसिड की जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑक्सी एसिड क्या था, हाइड्रा एसिड क्या था, मिनरल एसिड क्या था, इन सारी बातों को हमने आपको बताया था। अब जो है इसमें हम लोग जरा बेस को डिफाइन कर लेते हैं भाई, बेस कितने कैटेगरी में, तो बेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करके देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। तो पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की। तो जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन बताया था कि द एसिड विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन मॉडरेटरी एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। बिल्कुल वैसे ही यहां बोलना है, ए बेस विच ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन मॉडरेटरी एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ए बेस विच ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन मॉडरेटरी एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका एग्जांपल क्या होगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे इनके एग्जांपल होंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे वीक बेस की। तो जैसे हमने आपको वीक एसिड की डेफिनेशन बताई थी, तो वीक एसिड की डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, द एसिड विच आर पार्शियली डिसोसिएट्स इन मॉडरेटरी एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड वीक एसिड। वैसे वीक बेस को डिफाइन करो, ए बेस विच आर पार्शियली डिसोसिएट्स इन मॉडरेटरी एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड वीक बेस। तो इसका एग्जांपल भी नोट करिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जांपल है। तो वीक बेस क्या है, ए बेस विच विच आर पार्शियली डिसोसिएट्स इन मॉडरेटरी एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड वीक बेस। अब हम लोग जरा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड तो याद होगी, तो चलो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। एसिड में क्या बताया था, एसिड में मैंने बताया था कि एसिड्स है सॉल्टेस्ट, तो यहां पे बेसिस है बिटर टेस्ट होगा। ओके दूसरा क्या होगा, बेसिस आर फील सोपी टू टच, मतलब आप जब इसको बेसिस को टच करोगे तो आपको सोपी फील होगा। तीसरा क्या है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज दे एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब भाई बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो क्या लिखोगे कि भाई बेसिस जो है क्या होते हैं, वो जैसे ही वाटर में डालोगे आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक्ट होंगे। तो ये तीनों चीजें नोट हो गई, इसको नोट करिए स्क्रीनशॉट लेकर के, बेसिस रिएक्ट्स टू मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेसिस को जैसे ही आप मेटल से रिएक्ट करवाओगे साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। अब जैसे मैंने वहां पे भी बताया था एसिड की प्रॉपर्टी में भी मैंने बताया था
कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल से, पहली बात तो सारे के सारे मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, और अगर कोई एसिड जो है रिएक्शन कर रहा है मेटल से तो 100% साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो वैसे ही सारे के सारे बेस पहली बात तो मेटल से रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई बेस मेटल से रिएक्शन करेगा तो 100% क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल When zinc strip is added to sodium hydroxide solution, then sodium zincate and hydrogen gas is formed. अब ज़रा ध्यान देखो, इसको बोलते हैं sodium zincate. तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है what happened when sodium hydroxide solution is added to zinc? तो सीधे बोलना सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म। अब हाइड्रोजन गैस का टेस्ट मैंने बताया था, व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द गैस देन दिस गैस बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। इट्स क्लियर ना? ओके, नाउ यू कैन राइट इट। आप वीडियोस को पॉज करके नोट करते रहिएगा। चार पॉइंट हो गए, मैं फिफ्थ पॉइंट बताता हूं। अब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ क्या होगा, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, When bases reacts with an acid, then salts and water is formed. तो बिल्कुल वही बात है, एसिड की प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनेगा। बिल्कुल वैसे ही जब कोई बेस किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। तो जैसे भाई अगर कोई बेस ले लें तो ऐसे लिख सकते हो, बेस प्लस एसिड क्या बनने वाला है, साल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को याद है मैं क्या बताया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एग्जाम में ऐसे भी पूछता है। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लो और यहां पे कोई एसिड ले लो, H2SO4 ले लिया तो क्या बनेगा, तो यहां पे सोडियम सल्फेट बना दो, बाइसल्फेट भी बन सकता है, उसकी कंडीशन बाद में देखेंगे। और दूसरा क्या बना लो, वाटर, तो यहां पे इसको बैलेंस कर लो तो 2H2O हो जाएगा। तो सोडियम सल्फेट एक साल्ट है और यहां क्या बन गया, वाटर, तो इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। तो कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर बनाएंगे। इतने सारे एग्जांपल हैं, पूरा बोर्ड भर जाएगा एसिड वाले ने, सब बताया था मैंने। कोई भी एसिड ले लो भाई, तो ये तुमको ये लिखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। कुछ और ले सकते हो तुम, जैसे मान लो तुमने बेस ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिड ले लिया HCl, रिएक्शन करवाओगे तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। यहां पे तुम कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, यहां पे तुम सल्फ्यूरिक एसिड ले लो तो रिएक्शन करवाओगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा और H2O बनेगा, 2H2O बन जाएगा। तो कभी भी कोई भी बेस किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर ही बनेगा। और बहुत सारे रिएक्शन मैंने ऑलरेडी एसिड वाले में भी बता दिया था, तो ये कॉमन चीज है, ये पहले भी पढ़ चुके हो आप एसिड में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, इसको नोट करिए फटाफट। अब जरा देखते हैं हम लोग, मिटा दे इसको, चलो छठी बात देखते हैं। एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं। चलो देखो, व्हेन ए बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देन क्या फॉर्म होगा, जल्दी बताओ, साल्ट और वाटर, देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। अब याद करिए, मेटल के ऑक्साइड दो तरह का नेचर शो करते हैं, या तो वो बेसिक नेचर के होंगे या तो M4-3 नेचर के होंगे। ऑलरेडी मैं पहले चैप्टर में बता दिया था M4-3 नेचर का मतलब है वो कभी एसिड की तरह बिहेव करेंगे और कभी कभी बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो यहां पर जैसे M4-3 ऑक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, M4-3 ऑक्साइड था।
तो जिस तरीके से मेटल के ऑक्साइड या तो बेसिक या तो एम्फोट्रिक होते हैं, बिल्कुल वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं या तो वो एसिडिक होंगे या तो वो न्यूट्रल होंगे। जैसे भाई कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। वैसे ही वाटर भी क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। NO भी क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ऐसे ही सर SO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये बात तुम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते रहो कि अगर कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट और वाटर तभी बनाएगा जब वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो कर रहा हो। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इन वाटर, अगर एक वर्ड में तुमसे पूछे बताओ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इन वाटर मतलब क्या, एसिड। याद करो, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में डाल दें तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। इसको लिखिएगा नहीं, इसको लिखना नहीं है, ये समझा रहा हूं। सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर में डाल दो तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डाल दो तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इन वाटर मतलब क्या, एसिड होता है। बात समझ आ रहा है? तो अब जरा समझते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि भाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या तो एसिडिक नेचर के होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। तो अब कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस से रिएक्शन कर रहा है तो पक्का जान लेना साल्ट और वाटर बनाएगा। अब देखिए भाई कैल्शियम हाइड ऐसे लिख लो, बेस लिख लो प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसको ढंग से नोट कर लेना, चलो अच्छा ही लिख दे रहे हैं। तो साल्ट बना लेना और वाटर बना लेना। अब बेस तुम ले लो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कोई भी ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो क्या क्या बनाओगे, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर। याद करो मैंने भी पीछे बताया था इसको, ये रिएक्शन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर देन द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो एक साल्ट भी है। तो ये इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये रिएक्शन पहले भी बता चुका हूं, तो खुद ही देखो यहां पे। तो यहां पे बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन क्या, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ। तो रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी एक साल्ट बन गया, ये आपका एक साल्ट है और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना अगर नहीं है तो ये बात समझ में आ गई। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं अभी बताता हूं यूजेज ऑफ बेसिस, इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चलो हम लोग यूजेज ऑफ बेसिस को देख लेते हैं। बहुत गर्मी है, फैन ऑन कर लिया हूं, थोड़ी आवाज आएगी, समझ लेना धीरे धीरे। यूजेज ऑफ बेसिस की बात करेंगे। यूजेस ऑफ बेसिस फर्स्ट है यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप लोग LNOH भी बोलते हो, तो ये किसमें किसमें यूज होगा ध्यान देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर जिसको रेयन बोलते हो। तो इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर जिसको आप लोग रेयान बोलते हो, कपड़ा जानते हो। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज, इसको नोट करिए आप लोग फटाफट, हो गया। अब यूज आप मैं बता रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड पॉइंट यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां पाया जाता है, एक यूज लिख लो काफी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर जिसको फॉर्मूला जिसका है CaOCl2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर किस काम में होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए। तीसरी बात, थोड़ा मार्कर चेंज करना पड़ेगा बार बार। चलो तीसरा यूज हम लोग देखते हैं, थर्ड यूज आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। थर्ड है यूज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2S। तो यहां पे क्या है, मैग्नीशियम, ये सब बोर्ड में आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड, एसिड का एंटी एंटासिड। क्या करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टमक, टू न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टमक। तो ये है इसका यूज। तो अब जरा एक बात बताएं, ये इसको नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीन शॉट लेके नोट करो। अब यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट बताते हैं, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, पूरा लिख लेना, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन वॉशिंग, इज यूज एज वॉशिंग सोडा फॉर सॉफ्टनिंग वाटर। भाई वाटर दो तरह का होता है, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट वाटर सोप के साथ इजली लेदर फॉर्म कर लेता है, हार्ड वाटर जो होता है वो सोप के साथ इजली लेदर फॉर्म नहीं करता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज भी करते हैं, और भी केमिकल मेथड होते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए वॉशिंग सोडा के रूप में यूज होता है सोडियम कार्बोनेट का, जो कि वाटर की हार्डनेस को दूर करता है। सॉफ्टनिंग फॉर हार्ड वाटर लिख दो, फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर लिख दो। ओके चलो ये हो गया। अब मैं आपको बेकिंग सोडा का यूज बता देता हूं, यूज ऑफ बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी जानते हैं। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक ही बात है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। इट इज क्लियर। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग लिखा है, बेकिंग पाउडर क्या करने के लिए और कहां पे, फायर एक्सटिंग्विशर में एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। भाई फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज करते हैं, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, जैसे नॉब को दबाते हो वो एसिड और ये मेटल का बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं। और याद है ना, एसिड जब भी मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से क्या होती है, हैवी होती है, तो जहां पे फायर होता है वहां पे एक ब्लैंकेट के रूप में जाके छा जाती है और वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है। न रहेगी बात न बचेगी बात, ना ऑक्सीजन रहेगा ना वो जलेगी। इस तरह से ये यूज होता है टू पुट आउट द फायर, आपको बुझाने में। ओके, तो ये यूजेस था, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। अब जो है मैं दो और बातें बता दूं, एक एसिड से और एक बेस से, वो भूल गया था मुझसे, वो मैं बता दे रहा हूं। एक बात और याद रखिएगा,
जो सेकंड लेक्चर आपका था उसमें जहां पे मैंने इंडिकेटर पढ़ाया था वहां पे न्यूट्रल गलती से मैंने लिख दिया है, एक्चुअली वो नेचुरल था, न्यूट्रल के जगह पे आप नेचुरल कर देना, वो मिसरीड कर लिया, गलत हो गया था तो उसको सही कर लेना, वो न्यूट्रल इंडिकेटर नहीं है, वो नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, तो चलो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एसिडिटी ऑफ ए बेस, एसिडिटी ऑफ ए बेस। तो देखो जब कभी भी बेस की हमेशा एसिडिटी निकालते हैं, बेस की एसिडिटी क्यों निकालते हैं, क्योंकि भाई बेस को न्यूट्रलाइज कौन करता है, एसिड, इसलिए हमें बेस की एसिडिटी निकालनी होती है। तो एसिडिटी ऑफ ए बेस क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, एसिडिटी ऑफ ए बेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूसेस बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, यानी कि किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा वही उस एसिड की क्या कहलाएगी, बेसिसिटी कहलाएगी। अच्छा मैंने उल्टा लिखा है यहाँ पे, तो इसको सीधा करें, पहले हम ये पढ़ा रहे हैं ना बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, चलो अब फिर से देख लो, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस। ओके, तो हम लोग एसिड की क्या निकालते हैं, बेसिसिटी, एक बार फिर से बोल रहा हूं देख करके कमजोर लिख लो, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूसेस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, यानी कि किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा वही उस एसिड की क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। तो आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो बेसिसिटी के आधार पे एसिड को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एंड एसिड इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, पहला क्या है, मोनो बेसिक एसिड, दूसरा क्या है, डाई बेसिक एसिड, तीसरा क्या है, ट्राई बेसिक एसिड। तो मोनो बेसिक एसिड क्या है, डाई बेसिक एसिड क्या है, ट्राई बेसिक एसिड क्या है, लिखना शुरू करो। तो पहला हेडिंग डालो मोनो बेसिक एसिड क्या है, द एसिड हुज बेसिसिटी इज वन, ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी क्या होगी, वन होगी, उसे बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड। आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, एन एसिड इज सेड टू बी मोनो बेसिक एसिड इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोनियम आयन ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। लेकिन सिंपल डेफिनेशन लिखो, द एसिड हुज बेसिसिटी इज वन इज कॉल्ड मोनो बेसिक एसिड, यानी कि यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, वन होगी। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है भाई, एग्जाम्पल में लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये बोर्ड में पूछा गया है, लोग समझेंगे इसमें चार हाइड्रोजन है तो ये मोनो बेसिक एसिड नहीं होगा, तो इसमें रिप्लेसिबल या आयनाइजेबल हाइड्रोजन एक ही है, तो याद रखना ये मोनो बेसिक एसिड है, बोर्ड में खूब पूछता है। डाई बेसिक एसिड की बात करें तो द एसिड हुज बेसिसिटी इज टू, तो ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी होगी टू उसको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। एग्जाम्पल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा क्या है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 का मतलब सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये सब डाई बेसिक एसिड है। अब ट्राई बेसिक एसिड क्या हुआ, द एसिड हुज बेसिसिटी इज 3, यानी ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी कितनी हो, 3 हो, उसको हम बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। इसका एग्जांपल क्या है, फास्फोरिक एसिड H3PO4, एक और एग्जांपल लिख लो H3BO3, बोरिक एसिड, तो ये ट्राई बेसिक एसिड है, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल कितने हैं, 3 है, तो ये ट्राई बेसिक एसिड है। कहीं कहीं बुक में लिखा है कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ
रिप्लेसिबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, तो बात एक ही है, तो जो पहले बोले हैं वही नोट करते हुए चले जाओ, जो अभी बोले हैं इसको भी नोट कर सकते हो, बिल्कुल 101% करेक्ट है। तो ये हो गई बेसिटी ऑफ एन एसिड की बात, जो मैं भूल गया था पिछले टॉपिक में पढ़ाना, अब मैंने बेस भी पढ़ा दिया आपको। तो बेस की हम निकालते हैं एसिडिटी और एसिड की निकालते हैं बेसिटी, तो हमने बेस पढ़ाया तो हम इसका एसिडिटी निकालेंगे, एसिडिटी ऑफ ए बेस। तो देखो एसिड था तो उसकी बेसिटी थी, और बेस है तो उसकी एसिडिटी है, एसिडिटी ऑफ ए बेस। तो एसिडिटी ऑफ ए बेस क्या है समझिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बेसिटी ऑफ एन एसिड डिफाइन किया था वैसे डिफाइन करेंगे। तो एसिडिटी ऑफ ए बेस इज डिफाइंड एज, एसिडिटी ऑफ ए बेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूसेस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस, इसका एसिडिटी ऑफ ए बेस। एक बार फिर से बोल रहा हूं, एसिडिटी ऑफ ए बेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूसेस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस, यानी किसी भी एक बेस का, किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल, किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसोसिएट होने के बाद जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वही उसकी एसिडिटी कहलाएगी। ये बात समझ में आ गया, एक बात समझ में आ गया, फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एसिडिटी ऑफ ए बेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूसेस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। अब बिल्कुल भी ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, बेसिस ऑन क्लासिफाइड इंटू क्या, थ्री कैटेगरीज, पहला मोनो एसिडिक बेस, दूसरा डाई एसिडिक बेस, तीसरा ट्राई एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेस क्या है, डाई एसिडिक बेस क्या है, ट्राई एसिडिक बेस क्या है, ध्यान से समझ लो। ऐसा बेस जिसकी एसिडिटी वन हो, ऐसा बेस, द बेस हुज एसिडिटी इज वन इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। एग्जांपल बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब मोनो एसिडिक बेस है, और भी एग्जांपल होंगे। डाई एसिडिक बेस क्या है, ऐसा बेस जिसकी एसिडिटी हो कितनी, टू, उसे बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। तो द बेस हुज एसिडिटी इज टू, द बेस हुज एसिडिटी इज टू इज कॉल्ड डाई एसिडिक बेस। एग्जांपल बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एसेट्रा, तो सब में हाइड्रोक्साइड आयन दो है, दो ही निकलेंगे तो एसिडिटी उसकी दो होगी। ट्राई एसिडिक बेस क्या है भाई, ऐसा बेस जिसकी एसिडिटी कितनी हो, थ्री हो, उसे बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। तो द बेस हुज एसिडिटी इज थ्री इज कॉल्ड ट्राई एसिडिक बेस। एग्जांपल में एक लिख लो, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, आयरन का हाइड्रोक्साइड, ये ट्राई एसिडिक बेस है। तो ये ढंग से लिख लेना भाई, गर्मी बड़ी पसीना निकल रहा है, इसको जल्दी से नोट कर लो। थैंक यू।